भाई सबको आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बहुत सही शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मीडिया किसी वजह से कई बार चुप हो जाती है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन चाहे वो बच्चे यूनिवर्सिटीज में जो आज पूरे देश भर में फैल गए हैं और उनकी ताकत दिखाई दे रही है, बिकॉज यही जो ताकत है ये नौजवानों की, ये एक पीढ़ी जो होती है, ये एक जो नौजवान होते हैं, अमेजिंग, एंड आई होप दे कीप दिस गोइंग, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, द यूथ ऑफ द कंट्री। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे साथी सुशांत सिंह, जो आपने देखा होगा सावधान इंडिया, उनको उस प्रोग्राम से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको कहा गया कि आप प्रोग्राम से ताल्लुक नहीं रख सकते, और रीजन नहीं दिया, लेकिन हम सब जानते हैं रीजन क्या है। आई मीन बॉस, ये तो मतलब आर्म ट्विस्टिंग, धमकी देके, ये नहीं होगा तो फिर देखते हम तुझे बच्चों हम क्या करके दिखाते हैं, कर लो यार, क्या करोगे, कहां तक करोगे, ये मुल्क ऐसे ही नहीं बना है भाई, इसकी मिट्टी के अंदर वो बात है, क्योंकि जो लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं उन सब में कहीं ना कहीं डीएनए में आई है। वो तो बोलेगा कहीं बॉस, कब तक चुप रखोगे तुम? और राकेश हमारे भाई बहुत अच्छी बात कही, वो शेर ये था कि चमन में इख्तलात रंगो बूर से बात बनती है, चमन यानी गार्डन, इख्तलात यानी अलग अलग किस्म के, तो चमन में इख्तलात रंगो बूर से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, अंधेरी रात तूफानी हवा टूटी हुई कश्ती, ये मुल्क का हाल है आज। डिमोनेटाइजेशन पकड़ लीजिए या आप अनएम्प्लॉयमेंट पकड़ लीजिए, इकोनॉमी पकड़ लीजिए, तो अंधेरी रात तूफानी हवा टूटी हुई कश्ती, यही असबाब क्या कम थे कि इस पे ना खुदा तुम हो। बहुत पहले इससे तो डील कर लो, तुम हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में लगे हो भैया। आई मीन बॉस, मैंने कहा था, पढ़ा भी था, कहीं आप लोगों ने सुना होगा वो, लेकिन ये खेल बंद करो यार, बात करो आगे क्या करना है, रोटी दो, मकान दो, कपड़ा दो, इसके बारे में बात करो यार, कि इसी में लगे हुए हो। एक पार्टी आती है, चलिए समझिए कांग्रेस करप्ट ही कहते हैं, उन्होंने कहा चलो ठीक है मान लिया, आप क्या कर रहे हैं? आप आके बात कीजिए, आप स्कूल बनाएंगे, आप एजुकेशन करेंगे, आप हेल्थ पॉलिसी करेंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट को सही करेंगे, वो बात नहीं करते, आप आके सीधा बोलते हैं हम मंदिर बनाएंगे। अरे बॉस, और कुछ है नहीं क्या बनाने के लिए? मुल्क को बनाओ ना यार। तो ये अलाउड है, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कम्युनल एक्ट है ये, और जिसके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली ओपनली कहा है, और हमारे इस मुल्क को जो बनाने वाले हमारे माए बाप थे, तो चाहे वो सरदार पटेल हो, गांधी जी हो या नेहरू जी हो, ये सब लोगों ने मिलकर, जो अम्बेडकर साहब खास तौर पर जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अमेजिंग दिस मैन अम्बेडकर, एंड वॉट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके खिलाफ, टोटली खिलाफ है ये, और ये कह रहे हैं नहीं हम का खिलाफ कर रहे हैं, अरे क्या, चलो ना किसको और बनाओ यार, क्या खिलाफ नहीं कर रहे तुम, ओपनली खिलाफ है यार, कि एक पर्टिकुलर सेक्ट को आप कह रहे हैं कि आप एक्सक्लूडेड हो, बाकी सब इंक्लूडेड है, ये क्या बात हुई, आप और कोई बात नहीं कर रहे हो, लोग भूखे मर रहे हैं, जॉब है नहीं हमारे पास, सो यार शेम तो है यार, शेम है, लेकिन बात शेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। ये एक आई वुड लाइक टू एंड, राहत इंदौरी साहब ने इतना खूबसूरत ये कहा है, और ये मैं पढ़ना चाहूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा घर थोड़ी है। और ये आखिरी लाइन कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। जय हिंद।